हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डी अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनटीएससी क्या होता है, एनटीएससी कौन कंडक्ट करवाता है और एनटीएससी करके हमें क्या फायदा है। तो फिर पहले हम एनटीएससी का फुल फॉर्म जानेंगे। एनटीएससी का फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये कंडक्ट करवाया जाता है हमारा जो एनसीईआरटी होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये हमारा जो एनटीएससी एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। एनटीएससी बेसिकली एक स्कॉलरशिप एग्जाम है। अगर ये पास कर लेंगे तो फिर आपको 10th के बाद 11th 12th में 1250 रुपीस का मंथली स्कॉलरशिप मिलता है और ग्रेजुएशन में थोड़ा भर के 2000 इतना मिलता है। ठीक है, स्कॉलरशिप के अलावा हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें वो हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं पहले एनटीएससी होता क्या है, कितने एग्जाम्स होते हैं, कैसे क्लियर करना होता है, सिलेबस क्या होता है वो जानेंगे। एनटीएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, वो आपने जान लिया। एनटीएससी दो भागों में भाग किया गया है। पहला भाग जो है हमारा स्टेज वन एग्जाम और सेकेंड जो है हमारा स्टेज टू एग्जाम। ठीक है, पहला स्टेज वन और स्टेज टू। स्टेज वन क्या है, हमारा जो स्टेट लेवल, स्टेट हमारा ये स्टेट के अंदर करवाया जाता है, जो आपका एससीईआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और स्टेज टू है वो पूरे इंडिया लेवल, मतलब पूरे नेशनल लेवल में करवाया जाता है, बाय नेशनल लेवल में, या फिर नेशनल लिख देता हूँ, बाय कौन कराता है, हमारा एनसीईआरटी। ये कंडक्ट करवाया जाता है हमारा एससीईआरटी, मतलब हर स्टेट कंडक्ट करवाया जाता है, कंडक्ट करता है इसको। और जो हमारा ये स्टेज टू होता है वो कंडक्ट करवाया जाता है बाय एनसीईआरटी। दो टॉपिक्स होते हैं, वो है हमारा सैट और मैट। और स्टेज टू में भी सैट और मैट। ठीक है, स्टेज वन और स्टेज टू। स्टेज वन में सेट और मैट, स्टेज टू में सेट और मैट। सेट क्या होता है, स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, और मैट क्या होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अभी सेट में आपका क्या हो गया, मतलब क्या आ गया, देखो स्टेज वन में स्टेट लेवल कंडक्ट करवाया जाता है और सेट में क्या आता है आपका सिलेबस, मैथ्स आता है 20 मार्क, साइंस आता है 40 मार्क, और जो हमारा सोशल आता है, जो सोशल आता है हमारा 40 मार्क। ये है आपका सेट का जो होता है सिलेबस। ठीक है, मैथ्स 20 मार्क, साइंस 40 मार्क और सोशल 40 मार्क। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो स्टेज वन का एग्जाम है वो एससीईआरटी कंडक्ट करवाया जाता है, मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या होता है, जो मैथ साइंस ये सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लास 9 एंड 10, ये कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कौन से क्लास के सब्जेक्ट होते हैं, क्लास 9 एंड 10 जो यहाँ पे एग्जाम्स आपको देने हैं वो क्लास 9 एंड 10 के सब्जेक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि आपको एससीईआरटी मतलब स्टेज वन क्रैक करना है तो फिर आपको अपने स्टेट के 9 एंड 10 के साइंस, मैथ्स और सोशल के बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टेज वन को क्रैक करना है तो फिर आपको पहले स्टेज वन के लिए सेट और मैथ प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फिर सेट में क्या आता है हमारा मैथ, साइंस और सोशल। ये मैथ, साइंस और सोशल कौन सी क्लास के बुक, स्टेट मतलब हमारा स्टेट बोर्ड जो है उनके क्लास 9 एंड 10 के बुक्स को आपको प्रिपेयर करना है फॉर दी स्टेज वन एग्जाम। ठीक है, और मैथ में क्या आता है, हमारा मैथ में आ गया हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आ गया। स्टेज वन में सेट और मैथ होते हैं, ये कंडक्ट करवाया जाता है बाय दी स्टेट। मैथ्स में 20 मार्क्स, सेट के अंदर मैथ्स में 20 मार्क्स, साइंस में 40 मार्क्स, सोशल में 40 मार्क्स, और ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लास 9 एंड 10 स्टेट बोर्ड्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, इनसे आपको प्रिपेयर करने हैं। और मैथ जो होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सेट और मैथ एक ही एग्जाम में करवाए जाएंगे आपको, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अभी अगर आप स्टेज वन क्वालिफाई करोगे तभी आप जा पाओगे स्टेज टू, जो है नेशनल लेवल में कंडक्ट करवाया जाता है। स्टेज टू में भी क्या है, सेट और मैथ। सेट यहाँ पे हमारा मैथ सेम है, मैथ 20 मार्क, साइंस जो है 40 मार्क, और जो होता है सोशल जो होता है 40 मार्क। ठीक है, और मैथ का सेम ही वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड
नॉन वर्बल रीजनिंग, और ये जो होता है और भी डिफिकल्ट लेवल में आता है स्टेज टू का जो ये है, ये भी क्या है क्लास 9 एंड 10, क्लास 9 एंड 10 इसके बुक से आता है ये जो मैथ साइंस और सोशल। पर यहाँ पे क्या आता है स्टेज वन जैसे कि स्टेज कन्वर्ट करवाया जाता है, इसलिए ये बुक्स जो है आपको कौन से बुक्स प्रेफर करने हैं अपने स्टेट के क्लास 9 10 बुक्स, और यहाँ पे नेशनल लेवल में कंडक्ट करवाए जाते हैं इसलिए आपको कौन से बुक्स प्रेफर करने हैं मैथ साइंस और सोशल सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी के मैथ साइंस और सोशल के 9 10 क्लास के बुक्स होते हैं आपको यहाँ पे प्रेफर करना है। ये हो गया एनटीएससी का। हमने जैसे कि पहले बोला था एनटीएससी क्यों देना चाहिए, एनटीएससी आपको देना चाहिए क्योंकि ना जैसे कि आप अगर क्लास 10 के स्टूडेंट, ये सिर्फ क्लास 10 के स्टूडेंट दे सकते हैं एनटीएससी जो होता है। आप जब एनटीएससी क्लास 10 पास करोगे तो फिर जैसे कि 11 12 है तब आप जेई केवीपीवाई जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसका मतलब उसको देने से पहले आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो बढ़ जाएगा। आप या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप कैट गेट एसएससी एनडीए इन सब की तैयारी करें, फिर भी ना आपको एक छोटे समय से क्लास 10 से ही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कैसे होते हैं। एंड वन मोर एक और चीज यहाँ पे आपको बेनिफिट होता है कि आप अपना पोटेंशियल जान सकते हैं एट नेशनल लेवल की आपका कितना पोटेंशियल और आप कितना प्रिपेयर किया है। अगर आप बड़े होके कुछ मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने चाहते हैं एनडीए एसएससी सीजीएल या ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने चाहते हैं तो फिर आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए। आपको स्कॉलरशिप मिले या ना मिले आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, अपना मेहनत दिखाना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपका मतलब क्या एक्सपीरियंस रहता है। यही था आज का वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको पढ़ना है और कुछ उखाड़ के दिखाना है। बाय।